दिन है शनिवार, तो चलिए बात करते हैं आज के कुछ मुख्य समाचार में। राजस्थान शिक्षा जगत से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। चलिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है जयपुर से। देखिए, पेपर लीक के मास्टरमाइंड की गर्लफ्रेंड हाईकोर्ट पहुंची और बोली आरोपी से दोस्ती के आधार पर पीटीआई भर्ती से सिलेक्शन किया रद्द। दोस्तों बता दें कि सीनियर टीचर भर्ती पेपर लीक मामले के मास्टरमाइंड भूपेंद्र सारण की गर्लफ्रेंड ने पीटीआई भर्ती परीक्षा को लेकर हाईकोर्ट दरवाजा खटखटाया है। सिलेक्शन के बावजूद नियुक्ति रद्द करने से नाराज प्रियंका बिश्नोई ने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के खिलाफ याचिका लगाई है। इसमें कहा गया है कि उन पर पेपर लीक का कोई भी आरोप नहीं लगाया है और पीटीआई भर्ती परीक्षा का न तो पेपर लीक हुआ है और न ही कोई एफआईआर दर्ज हुई है। अच्छा, अगली खबर आ रही है शिक्षक भर्ती को लेकर। देखिए, प्रदेश के स्कूलों को अगस्त में मिलेंगे 48,000 थर्ड ग्रेड शिक्षक। 20 जून से प्रक्रिया शुरू होने के आसार बीकानेर को मिलेंगे 1781 शिक्षक। और साथियों आपको बता दें, लेवल 2 के 4 विषयों का रिजल्ट कल जारी कर दिया गया था। अंग्रेजी, सिंधी, पंजाबी और उर्दू का परिणाम हुआ जारी। देखिए, अब हिंदी व संस्कृत का परिणाम अगले सप्ताह, अध्यापक भर्ती लेवल 2। और इसी भर्ती को लेकर जो अगली खबर है, देखिए, अंग्रेजी में टीएसपी की कट ऑफ नॉन टीएसपी में 70.94 नंबर कम, टीएसपी में 1296, नॉन टीएसपी में 7486 पद भरेंगे। और चलिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की बात करते हैं। रीट पेपर लीक में ईडी ने आरपीएससी अध्यक्ष और 22 अन्य को नोटिस जारी किया। साथियों बता दें कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष संजय क्षत्रिय और सदस्य बाबूलाल कटारा समेत 23 लोगों को नोटिस जारी किया है। इन सभी को अलग अलग समय पर ईडी मुख्यालय में पूछताछ के लिए बुलाया गया है और जानकारी के मुताबिक ईडी इस मामले में 15 जून से पहले पूछताछ करे। और वहीं इसी मामले को लेकर जो अगली बड़ी खबर है, देखिए, रीट परीक्षा की घोटाले की जांच कर रहे ईडी ने 5 और 6 जून को पूछताछ की। टीम ने डॉक्टर बनया सिंह के घर की तलाशी भी ली है। अब रीट जांच में ईडी के रडार पर डॉक्टर बनया सिंह और 2 दिन में 15 घंटे पूछताछ, अब दिल्ली बुलाए। वही बड़ी अपडेट आ रही है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को लेकर। देखिए, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने खेल पॉलिसी पर खड़े किए सवाल। खेल कोटे से नौकरी पाने का खेल, पॉलिसी में चूक से मैदान मार रहे खिलाड़ी। बीकानेर से अगली खबर आ रही है। वेटनरी विश्वविद्यालय में पहली बार नीट के माध्यम से मिलेगा प्रवेश, 920 सीटों पर होगा प्रवेश। और आरएस 2021 से जुड़ा है मामला। देखिए, आरएस 2021 के मेंस के रिजल्ट में असंतुष्ट अभ्यर्थी ईडी दफ्तर पहुंचे। ईडी विधि अनियमितता की जांच करने वाली एजेंसी, लेकिन युवा परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप लेकर भी पहुंच रहे। अगली खबर है कंप्यूटर निदेशक भर्ती को लेकर। बोर्ड ने अभी तक नहीं बनाई रिव्यू कमेटी। और चलिए आज की जो सबसे बड़ी अपडेट है, देखिए, प्रशासनिक भर्तियों में देरी। आरपीएससी ने जुलाई 2021 में जारी की थी आरएस की विज्ञप्ति। आरपीएससी आरएस भर्ती 2021 दो साल में पूरी नहीं, 10 महीने से इंटरव्यू पेंडिंग। और वहीं दूसरी तरफ देखिए, यूपीएससी की जो सीएससी भर्ती है 2022 मेंस रिजल्ट के बाद 3 महीने बाद ही इंटरव्यू शुरू। वहीं जोधपुर से अगली खबर आ रही है। ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा में फर्जीवाड़े का खुलासा। डमी परीक्षार्थी बिठाया, पास भी हो गया, इंटरव्यू में पकड़ा गया। 2 अलग अलग फॉर्म भरे, दोनों में सिलेक्शन। 7 सरकारी कॉलेजों में प्रथम वर्ष में प्रवेश प्रक्रिया 15 जून तक हो सकती है शुरू। 4100 प्लस सीटों के लिए स्टूडेंट कर सकेंगे आवेदन। अच्छा, बात करते हैं राजस्थान के बेरोजगार अभ्यर्थियों के लिए। अच्छी खबर आ रही है नई भर्ती को लेकर। 13184 सफाई कर्मियों की होगी भर्ती। सीधी भर्ती के लिए संशोधित विज्ञप्ति जारी, 20 जून से आवेदन। तो दोस्तों ये थे कुछ आज के राजस्थान के शिक्षा जगत के समाचार। ऐसे ही वीडियोस और राजस्थान की आने वाली भर्तियों के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस पर क्लिक करें और सब्सक्राइब करें टेलीग्राम चैनल। धन्यवाद।